प्रदेश में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं के बीच एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार और कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो वहीं नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार ने पीसीसी चीफ के बयान को शर्मनाक बताते हुए बयान को राजनीतिक जुमलेबाजी करार दिया है। पीसीसी अध्यक्ष राग अलापना बंद करें, उनको मालूम होना चाहिए किस तरीके से उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही पदाधिकारी लगातार, चाहे नारायणपुर क्षेत्र हो, चाहे बीजापुर क्षेत्र हो, चाहे सुकमा क्षेत्र हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे पखांजुर क्षेत्र हो, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को धमकी दे रहे हैं। और तो और, नारायणपुर की घटना में जो विक्रम बैस की मौत हुई है और उसके जो दोषी हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। पखांजुर की घटना को ना भूले, असीम राय को जो कहते हैं हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, उनको मारने में कांग्रेस के पदाधिकारी का हाथ रहा है। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आप चाहे बस्तर से लेके रायपुर देख लीजिए, रायपुर से लेके अंबिकापुर सरगुजा देख लीजिए, कहीं भी कोई आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, ना किसान सुरक्षित है, ना माता बहनें सुरक्षित। इस सरकार में लगातार घटनाएं घट रही है। इस सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हुई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लूट डकैती हत्या चोरी गोलीकांड लगातार बढ़ रहा है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से अराजकता फैला हुआ है और सरकार इसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अपराधियों का मनोबल चरम पर।